आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है चैप्टर नंबर 6 के, वो है अरिथमेटिक सीरीज। इससे पहले हमने बात की थी अरिथमेटिक सीक्वेंस पे, या जिसको हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोला था, लेकिन आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक सीरीज पे। किस पे बात करेंगे? अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज क्या है? सीरीज का तो उस दिन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने आपको क्या बताया था कि सीक्वेंस के दरमियान कोमा हटाकर प्लस लगा दें तो वो क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है। अच्छा, अगर वो सीक्वेंस फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, 11 अप टू सो ऑन, ये मैंने एक सीक्वेंस लिखा आपके सामने और इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। देखें, 5 - 2, 3 आ जाएगा, 8 - 5 वो भी क्या आ जाएगा, 3, 11 - 8 वो भी क्या आ जाएगा, 3। तो ये सीक्वेंस जो है ये बेसिकली क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो सुने, अगर मैं इन कॉमास को हटाकर इनकी जगह क्या लगा दूं, प्लस लगा दूं, तो अब ये क्या बन जाएगी? एक सीरीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी। और चूंकि ये सीरीज अरिथमेटिक सीक्वेंस से बनी है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक सीरीज। और हमने अरिथमेटिक सीरीज के सम की बात करनी होती है। किसकी बात करनी होती है? सम की बात करनी होती है। तो अरिथमेटिक सीरीज क्या है? बेसिकली अगर आप टर्म्स जो हैं सीरीज की वो क्या हो? एपी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। और सीरीज का मतलब है कि आपने इन तमाम टर्म्स के सम की बात करनी है, क्योंकि दरमियान में क्या आ रहा है? दरमियान में प्लस आ रहा है। दरमियान में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो याद रख लें कि जो अरिथमेटिक सीरीज है, इसके सम को हम नॉर्मली एन टर्म्स के सम को एस एन से प्रेजेंट करते हैं। किसे प्रेजेंट करते हैं? एस एन से। और इसका फॉर्मूला होता है n/2 (2a1+2a1+n-1)(d). ये अरिथमेटिक सीरीज के सम का फॉर्मूला है। n/2, n नंबर ऑफ टर्म्स है, जितनी टर्म्स का आपने सम करना है। a1 हमने कहा था फर्स्ट टर्म होती है, और n नंबर ऑफ टर्म्स है, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, sn = n/2 (2a1) को मैं लिख सकता हूं a1+a1, लिखा जा सकता है ना। 2a1 को मैंने क्या लिख दिया? a1+a1+n-1(d). तो अगर आपको याद हो तो इतनी चीज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ये nth टर्म है किसकी? अरिथमेटिक सीक्वेंस की। a1+n-1(d) लास्ट लेक्चर में पढ़ा नहीं हमने, ये क्या होती है? ये nth टर्म होती है किसकी? एपी की। तो यानी कि फिर इस सारी चीज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? a1+ ये सारी कंप्लीट चीज हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है? an की, an के इक्वल आ जाती है। यानी कि अगर आपको लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस पता है तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाने में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये भी आपको अरिथमेटिक सीरीज की टर्म्स का सम प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली दो फॉर्मूलाज हैं बुक में, मोस्टली ये जो मैंने पहले वाला फॉर्मूला लिखा है वो यूज करते हैं। यहां पर चूंकि कैलकुलेशन जरा सिंप्लीफाइड हो जाती है और साथ हमें डी की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सीक्वेंस है, कोई ऐसी सीरीज है अरिथमेटिक जिसमें हमें एन पता है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो हमें डी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम उसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। कुछ एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो अरिथमेटिक सीरीज से रिलेटेड एक एमसीक्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने। इस एमसीक्यू में वो आपसे कह रहा है सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी हूज फर्स्ट टर्म इज 7, हूज फर्स्ट टर्म इज
7 and nth term is and nth term is 64. आपने 20 टर्म्स का सम बताना है. तो अगर तो आप जो आपकी बुक में फॉर्मूला यूज हो रहा है, वैसे उसने ऑप्शन दी हुई है, मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं बुक में जो फॉर्मूला आप यूज करते हो यूजली वो एस एन इक्वल टू एन ओवर टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो एन की वैल्यू तो 20 आ गई क्योंकि उसने कहा है कि कितनी टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, 20 टर्म्स का कैलकुलेट करना है. जबकि फर्स्ट टर्म उसने क्या बताई है, फर्स्ट टर्म बताई है 7. ए वन बेसिकली किसके इक्वल आ गया, 7 के. और nth टर्म जो है यहां पर उसने दी, क्या दी है, nth टर्म. और यहां पर nth टर्म यूज नहीं होती बल्कि क्या रिक्वायर्ड होता है आपको, डी. तो लिहाजा फिर हम इस फॉर्मूले को नहीं यूज करेंगे, हम तो ये जो हमने नया फॉर्मूला बनाया था उसको यूज करेंगे. वो क्या होती है जी, एन ओवर टू इंटू ए वन प्लस ए एन. सिंपल, एन की वैल्यू क्या है, 20 डिवाइडेड बाय 2. ए वन फर्स्ट टर्म कितनी दी है, 7, प्लस ए एन कितना दे दिया उसने, 64. तो 20 को 10 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें 10 आ जाएगा, 64 प्लस 6 71 आ जाएगा ये. तो यहां पर इनको मल्टीप्लाई करने 710, यानी कि 20 टर्म्स का जो सम है वो क्या है, 710. इज दैट क्लियर? तो बेसिकली इस फॉर्मूले को मैंने यूज करना यहां पर आपको सिखाया है. तो ये एक मैंने आपके सामने एमसीक्यू किया है, एक और एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं. उस एमसीक्यू में वो आपसे कह रहा है कि हमारे पास एक एपी है और वो एपी गिवन है. वो एपी क्या है, गिवन है यहां पर. वो कह रहा है जी इफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन ए एन आर इन एपी, आर इन एपी. ये टर्म्स किसमें मौजूद है, एपी में, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, then which of the following is true, इनमें से true कौन सी statement होगी. alpha option उसने दी है a1 plus k, a2 plus k, a3 plus k up to so on an plus k. सिमिलर उसने बीटा ऑप्शन बता दी है ए वन माइनस के, ए टू माइनस के, ए थ्री माइनस के अप टू सो ऑन ए एन माइनस के. चार्ली ऑप्शन उसने बताई है के ए वन, के ए टू, के इंटू ए थ्री अप टू सो ऑन के इंटू ए एन. और डेल्टा ऑप्शन है ऑल अबव. वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी, ट्रू होगी, ये आपने बताना है. तो याद रख लें, अगर मेरे पास एपी है ना, यहां पर मैं इसको समझा रहा हूं, टू लेट्स सपोज 5 8 11 अप टू सोन, मैं क्या कर रहा हूं, सेम नंबर ऐड कर दूं, 1 ऐड कर रहा हूं. लेट्स सपोज 2 प्लस 1 ऐड कर रहा हूं क्या, 1, 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 1 9, 11 प्लस 1 12 अप टू सोन. तो मुझे बताओ अभी पहले कॉमन डिफरेंस क्या था, 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, अब देखें 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3. तो देखिए पहले भी कॉमन डिफरेंस, बाद में भी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है. अगर कॉमन डिफरेंस सेम है कोई खास नंबर ऐड करने की वजह से, तो इसका मतलब है कि ये भी जो नई बनने वाली एपी हो, सीरीज सीक्वेंस होगी, वो भी क्या होगी, एपी होगी. समझते हैं, अगर आपके पास कोई एपी गिवन है ना, आप सेम नंबर
ऐड कर दें पूरी एपी में, तो जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। इसी तरह अगर आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी रिजल्ट क्या होगा, तो भी रिजल्ट एपी होगा। आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एपी को तो भी रिजल्ट क्या होगा, एपी। यानी कि ये भी एपी है, बीटा ऑप्शन में माइनस करने के बाद भी रिजल्ट में क्या रहेगी, एपी, और मल्टीप्लीकेशन कर देंगे सेम नंबर से तो भी रिजल्ट में आपको क्या मिलेगी, एक एपी ही मिलेगी। तो यहां पर बताना क्या चाह रहा हूं कि आप किसी एक एपी में सेम नंबर ऐड कर दें तो भी रिजल्ट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगी, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्ट बनेगा वो भी क्या होगा, एपी होगा, सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट बनेगा वो भी क्या होगा, एपी। हां, डिवीजन के केस में, फॉर एग्जांपल ए वन को डिवाइड कर दूं के से, ए टू को डिवाइड कर दूं के से, ए थ्री को डिवाइड कर दूं के से, अप टू सोन ए एन को भी डिवाइड कर दूं किसे, के से, सेम नंबर से डिवाइड कर दिया है, तो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट के बारे में सुन लें, यू आर नॉट श्योर कि ये एपी होगा या नहीं होगा। मे और मे नॉट बी एपी, मे और मे नॉट बी, नॉट बी इन एपी। जो रिजल्ट है हो सकता है वो एपी हो सकता है वो एपी ना हो। तो एडिशन के केस में सेम नंबर ऐड कर दे एपी मिलेगी, एपी को उसमें से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी एपी मिलेगी, एपी में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दे तो भी रिजल्ट में क्या मिलेगी आपको, एपी। लेकिन अगर आप सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो मे भी आपको रिजल्ट में एपी मिले और मे भी ना, डाउट इज देयर, हो सकता है वो एपी हो सकता है नॉट एपी, श्योर नहीं है, लेकिन इन तीन केसेस में श्योर है। तो इस एमसीक्यू के लिए हमारे पास डेल्टा ऑप्शन बनेगी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ये सारी की सारी क्या होंगी, आर इन एपी, आर इन एपी, समझ आ रही है। लेकिन डिवीजन के केस में हमें श्योर नहीं होता, इज दैट क्लियर। तो ये एक एमसीक्यू मैंने आपके सामने डिस्कस किया, एक और एमसीक्यू एपी से रिलेटेड यहां पर डिस्कस करता हूं। तो इस एमसीक्यू में वो आपको सम दे रहा है किसका, एन टर्म्स ऑफ एन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस की एन टर्म्स का सम दे रहा है। वो आपसे कह रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज nth टर्म ऑफ, इज nth टर्म ऑफ एन एपी। अल्फा ऑप्शन है एन क्यूब प्लस थ्री, बीटा ऑप्शन है एन स्क्वेयर प्लस टू एन प्लस वन, चार्ली ऑप्शन है थ्री एन माइनस टू, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। समझ रहे हैं मेरी बात को, वो कह रहा है कि आपने चेक करना है कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो n टर्म्स का इज, n टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहां पे है सम ऑफ n टर्म्स, बल्कि क्या लिखा हुआ है, nth टर्म, हाँ जी nth टर्म, हाँ ये है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज nth टर्म, बिल्कुल ठीक लिखा था हमने, इनमें से कौन सी nth टर्म है किसकी, एपी की। तो सुने, एक तरीका तो ये है कि हम बारी बारी चेक कर लें, एन क्यू प्लस थ्री है ना, हमें चेक करना है कि nth टर्म है या नहीं है, तो आप n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करें, n की वैल्यू वन लगाएं, n की वैल्यू टू लगाएं, n की वैल्यू थ्री लगाएं, तो आपको रिजल्ट क्या मिलते हैं, आपको रिजल्ट मिलेंगे इस केस में एन क्यूब प्लस थ्री के केस में, एन की जगह पे वन लगाएं, वन का क्यूब वन, वन प्लस थ्री फोर, टू लगाएं टू का क्यूब एट, एट प्लस थ्री इलेवन,
3 का क्यूब 27 प्लस 3 30, क्या इनका डिफरेंस कॉमन आ रहा है 30 माइनस 11 या 11 माइनस 4? 11 माइनस 4 करेंगे तो कितना आता है 7, 30 माइनस 11 करेंगे तो 7 तो नहीं आता, यानी कि डिफरेंस कॉमन नहीं है, डिफरेंस कॉमन नहीं है, यानी कि ये एपी की nth टर्म नहीं। दूसरा हमारे पास क्या है, एन स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 1, चेक करें जरा, n की जगह 1 लगाएं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 सा 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, फर्स्ट टर्म 4 आ गई। सेकंड टर्म चेक करें, n की जगह 2 लगाएं, 2 का स्क्वायर 4, 2 4 2 2 सा 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, n की जगह 3 लगाएं, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 सा 6, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 1 16, चेक करें डिफरेंस सेम आ रहा है, 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 9 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6, 4 और 5 9 आ जाएगा डिफरेंस, ठीक हो गया। 9 16 माइनस 9 करें और 9 माइनस 4 करें, रिजल्ट सेम नहीं आ रहा, रिजल्ट सेम नहीं आ रहा। तो अगर रिजल्ट सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये भी एपी नहीं है, समझ आ रही बात की। अब हम तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं, 3n माइनस 2, n की जगह लगाए 1, 3 1 सा 3 माइनस 2 1, एन की जगह 2 लगाएं, 3 2 सा 6, 6 माइनस 2 4, एन की जगह 3 लगाएं, 3 3 सा 9 माइनस 2 7, अब जरा डिफरेंस चेक करें, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, 7 माइनस 4 कितना होता है 3, दोनों केसेस में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो पता ये चला कि चार्ली ऑप्शन ऐसी ऑप्शन है जिसमें हमारे पास जो बेसिकली nth टर्म है किसकी, एपी की, जो कि nth टर्म है किसकी, एपी की, क्योंकि अगर ये nth टर्म है तो इससे बने वाली टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए कॉमन, इस केस में भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, इस केस में भी डिफरेंस कॉमन नहीं है, लेकिन इस केस में डिफरेंस कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है कि चार ही हमारे पास रिजल्ट होगा। लेकिन यहां पर अब मैं आपको शॉर्ट वे बता रहा हूं, याद रख लें, क्या बता रहा हूं, शॉर्ट वे बता रहा हूं, ये तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी ना, फिर भी थोड़ी सी, तो याद रख लें एपी की nth टर्म हमेशा लीनियर होती है, एपी की nth टर्म हमेशा क्या होती है, लीनियर। यहां पर डिग्री कितनी आ रही है 3, ये क्यूबिक है, ये एपी की nth टर्म नहीं हो सकती। यहां पर डिग्री कितनी आ रही है 2, ये भी nth टर्म नहीं हो सकती। यहां पर डिग्री कितनी आ रही है 1, तो याद रख लें किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म होगी वो हमेशा क्या होगी, लीनियर होगी। यहां पर यानी कि वहां पर मैक्सिमम पावर क्या होगी 1, मैक्सिमम पावर क्या होगी 1। तो ये हमारे पास ये एमसीक्यू सॉल्व हो गया, तो ये सारा काम आपको करने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर लें कि आया कोई एक्सप्रेशन इनमें से ऐसी है जो लीनियर है, अगर लीनियर है तो वो एपी की क्या होगी, nth टर्म, और अगर वो लीनियर नहीं है तो वो एपी की nth टर्म नहीं होगी। तो ये मैंने आपके सामने एक एमसीक्यू डिस्कस किया, ऑब्सो क्लियर हो गया होगा, एक और एमसीक्यू मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, उस एमसीक्यू में हम सीरीज के सम को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर वो कह रहे जी इफ इफ एमसीक्यू क्या है, इफ एस एन यानी कि सम है किसी सीरीज का, वो क्या है 2n स्क्वेयर प्लस 1 देन एस एन इज सम ऑफ अल्फा ऑप्शन है एपी, क्या ये अरिथमेटिक सीरीज का सम है, बीटा ऑप्शन है जीपी, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम है चार्ली एचपी, क्या ये हार्मोनिक सीरीज का सम है डेल्टा ऑप्शन उसने दी है नॉन ऑफ दिस, या इनमें से किसी का भी सम नहीं है। तो याद रख लें, डायरेक्ट आपको काम की बात बता देता हूं कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी सीरीज का सम हमेशा डिग्री 2 के साथ होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्या होता है क्वाड्रेटिक। तो यहां पर नोट में याद भी रख लें कि बेसिकली रूल हमने क्या याद रखना है या ट्रिक क्या याद रखना है कि सम ऑफ अरिथमेटिक सम ऑफ एन टर्म्स कर लें, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज इज ऑलवेज
sum of arithmetic series, n terms of arithmetic series is always a quadratic expression. के हमारे पास कोई भी अरिथमेटिक सीरीज के सम n टर्म्स के सम की एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, क्वाड्रेटिक. मींस उसकी डिग्री या हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी. हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी. तो ये एक और एमसीक्यू मैंने यहां पर आपके सामने डिस्कस किया. एक और एमसीक्यू मैं इधर डिस्कस करता हूं आपके साथ. उस एमसीक्यू में वो कह रहा है the sum of all integral multiples of 3, integral multiples of 3 between 5 and 100, 5 और 100 के दरमियान जो मल्टीपल्स हैं किसके, 3 के, बिटवीन 5 and 100 वो क्या बनते हैं जरा देखो. अच्छा उनका सम बताना है, इस ऑप्शंस भी यहां पर दी हुई हैं. ऑप्शन है 1831, बीटा ऑप्शन है 785, चार्ली ऑप्शन है 587 और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है 1785. अच्छा मुझे बताए 3 के मल्टीपल जो 5 और 100 के दरमियान वो कौन कौन से बनेंगे. 3 वन सा 3 वो तो 5 से कम है, 3 टू सा 6 5 से बढ़ गया. ठीक है 5 से आगे देखने हैं, 6 प्लस 3 3 सा 9 प्लस 3 4 सा 12 प्लस अप टू सो ऑन, ये ऑलमोस्ट 99 तक जो है हमारे पास मल्टीपल्स आए. ये वो मल्टीपल्स हैं 3 के जो बिटवीन 5 और 100 है. अब ये कितने हैं वो कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है यहां पर a1 कितना है आपके पास, an का फार्मूला पता है, an का फार्मूला होता है a1 plus n minus 1 d. मुझे कितने देखना है ना, मींस मुझे n कैलकुलेट करना है. सो an कितना है, लास्ट टर्म आपको पता है ये आपके पास an है, वो कितनी आ गई 99 इक्वल टू a1 कितना है, ये फर्स्ट टर्म होती है वो आ गई 6 प्लस n हमने कैलकुलेट करना है, माइनस 1 डी कितना है डिफरेंस देख लें, 9 माइनस 6 3, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6 इधर आगे माइनस हो जाएगा, 99 माइनस 6 इक्वल टू 3n माइनस 3, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 99 माइनस 6 कितना हो गया 93, ये 3 इधर आगे प्लस हो जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा 96 इक्वल टू 3n. सो n हमारे पास 96 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6, तो 32 टर्म्स बनेंगी. ये कितनी टर्म्स बनेंगी, 32. हमें बेसिकली कितनी टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, हमें 32 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है. तो अब सम देख लेते हैं, सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है Sn इक्वल टू n बाय 2 इंटू a1 प्लस an, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना. तो Sn मींस एस 32 इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 2, a1 हमारे पास 6 है और an कितना है 99. इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं सिंप्लीफिकेशन वाली शो कर रहा हूं, यहां पे 16 आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 16 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 1785. तो डेल्टा हमारे पास ऑप्शन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, डेल्टा ऑप्शन बन जाएगी. तो ये एक और एमसीक्यू मैंने आपके सामने सॉल्व कर दी है जो बेसिकली सीक्वेंस ऑन सीरीज से रिलेटेड. तो एक और एमसीक्यू यहां पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जिसे मजीद थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर सकता है पेपर में. और इस जो ये चल रही है मेरे साथ आपके साथ आपके आप लोगों के साथ एंट्री टेस्ट की सीरीज, उसके आखिर पे जब हमारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको एक टेस्टों का स्केड्यूल दूंगा, फिर आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिएगा, फिर उसकी डिस्कशन मैं आपके साथ कर लूंगा. इज दैट क्लियर. तो सुनिएगा, सम ऑफ, नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या है, सम ऑफ 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स
sum of 1000 positive integers which are neither divisible by 2 nor by 5 जो ना ही 2 से डिविजिबल हो और ना ही 5 से डिविजिबल हो. पहले हजार सम ऑफ यहां पे बल्कि यूज कर ले फर्स्ट यहां पे उसने लिखा व्हेन सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स पहले हजार पॉजिटिव इंटीजर्स लेकिन कौन से वाले 1000 जो 2 पर और 5 पर डिवाइड ना होते जो 2 और 5 पर डिवाइड ना होते हो तो उनका सम चेक करना है कि क्या होगा. मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 2 और 5 से डिविजिबल नहीं है. 1 3 4 2 से डिवाइड हो जाता है 5 5 से डिवाइड हो जाता है 7 9 इसी तरह 11 13 17 19 आप टू सोन चले चलते जाएंगे तो 991 प्लस 993 प्लस 997 प्लस 999 ये वो वाले इंटीजर्स लिखिए पहले हजार में से जो 2 पर भी डिवाइड नहीं होते और 5 पर भी डिवाइड नहीं होते. अच्छा इधर देखिएगा अभी ये 3 माइनस 1 करोगे ना तो कितना आता है 3 माइनस 1 2 7 माइनस 3 4 तो एपी नहीं बनेगी ये एपी नहीं बन रही. हां मैं क्या कर रहा हूं 4 4 को इकट्ठा सम कर रहा हूं 1 प्लस 3 4 4 प्लस 7 11 11 प्लस 9 20 ये 20 बन जाएगा प्लस इन सब को ऐड कर लें इन चारों को ऐड कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा यहां पे किया हुआ मैंने 60 प्लस अप टू सो ऑन इन चारों को ऐड कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 3980. इन चारों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 3980. अब ये जो आपके पास सीरीज बनी है ना ये क्या बनी है ये बन गई है अरिथमेटिक सीरीज. अगर इससे अगली टर्म्स लूं ना तो वो क्या आएंगी 21 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 29 इनको ऐड अप करके यहां पर आप तीसरी टर्म बना सकते हो फिर कॉमन डिफरेंस चेक कीजिएगा आपको सेम मिलेगा. तो A1 आपके पास कितना आ गया 20 An कितना आ गया An आ गया 3980 और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है देखो पहले 10 में कितनी निकली 4 अगले 10 में कितनी निकली 4 तो हजार में कितनी होगी पहले 10 में 4 उससे अगले 10 में 4 उससे अगले 10 में से 4 निकली तो हजार में से 400 निकलेंगी कितनी निकलेंगी 400 टर्म्स होंगी जो ऐसी टर्म्स होंगी जो ना 2 पर डिवाइड होती हैं और ना ही किस पर डिवाइड होती हैं 5 पर. दोबारा बोल रहा हूं ये मैंने वो तमाम इंटीजर्स लिखे थे 1 और 1000 के दरमियान विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉर डिविजिबल बाय 5 ऐसे ही है. अब ये कितने इंटीजर्स थे वो बता रहा हूं आपको टोटल 1000 थे उनमें से पहले 10 में से मेरे पास कौन से इंटीजर आए 4 अगले 10 में से कौन से आए 4 उससे अगले 10 में से कितने आए 4 तो मुझे बताएं 100 में से कितने आएंगे 40 और 1000 में से कितने आएंगे बताओ 400 1000 में से कितने आएंगे 100 में से 40 आए तो 1000 में से 400 आएंगे 1000 में से 400. अच्छा अब 4 4 को मैंने सम करके क्या बना दिया एक सिंगल टर्म बना दिया इन 4 को सम करके एक सिंगल टर्म बना दूंगा अगले 4 को सम करके एक और सिंगल टर्म बना दूंगा तो 400 कितने रह जाएंगे 100 रह जाएंगे 4 का क्या बन रहा है एक सिंगल टर्म बन रही है ना सिंगल टर्म बन रही है तो यहां पर n फिर हमारे पास कितना रह जाएगा 100. तो मुझे बताओ आपको पता है Sn का फॉर्मूला n ओवर 2 इनटू a1 प्लस an तो n कितना है 100 ओवर 2 a1 कितना है a1 है 20 प्लस an कितना है 3980. इसको आप सॉल्व कर लें इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास उन 1000 इंटीजर्स का सम आ जाएगा पहले जो 2 पर और 5 पर डिविजिबल नहीं है वो गालबर मेरे पास ये सम करने के बाद ये 200000 आ रहा है ये कितना आ रहा है 200000 2 लाख जो है वो सम आ जाएगा. तो होप सो के
ये एमसीक्यू क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ये लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।